बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सोलह खैर से होंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगले व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। भाई कल हुई थी बारिश की वजह से गाड़ी पूरी हो गई थी भाई, गंदी देख सकते हैं, पूरी मट्टी हुई है। ये गाड़ी साफ करनी है, अपनी शटर के अंदर खड़ी हुई है। अभी चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करके चलते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी को कपड़ा वगैरह मारेंगे, ऑनलाइन होंगे और आज इंशाल्लाह अपना मिशन कंप्लीट करेंगे। कल नहीं हो पाया था 15 ट्रिप का मिशन कंप्लीट, तो आज कोशिश करेंगे ये हो जाए कंप्लीट, क्योंकि कल राइडें नहीं आ रही थी। कल काफ़ी देर से राइडें आई थी, उसके बाद आ ही जा रही थी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई ट्रिप्स। इंशाल्लाह आज कंप्लीट होगी और आज आपके मैं पूरी अर्निंग भी दिखाऊंगा, कितने आज के दिन में मैंने कितने कमाए हैं पैसे। और मौसम भी काफ़ी प्यारा हो गया, देखें बारिश के बाद रात भाई लाइट चली गई थी, नींद ही नहीं आई, तो अभी भी आँखों में नींद है मेरे भाई। ये गाड़ी खड़ी है भाई, तो बारिश ने देखें मौसम काफ़ी अच्छा बना दिया भाई। कल बारिश VIP हुई थी, ज़बरदस्त हुई थी। अभी गाड़ी को भी साफ़ करना है यार, गाड़ी पूरी गंदी हो गई है। अब गाड़ी को साफ़ करते करते कोई आधा घंटा गाड़ी के साफ़ करने में लग जाएगा, जैसे 9 बजे निकल जाएंगे हम अपने काम पर। तो इंशाल्लाह एक भी ट्रिप नहीं छोड़ेंगे आज, में पूरी 15 ट्रिप्स कंप्लीट करेंगे और बोनस भी करेंगे आप लोगों के साथ। रहिए दोस्तों, काम पर निकल गया हूँ, गाड़ी भी साफ़ कर ली है। अब मेरे पास राइड आई है गुलशन जौहर की होंडा कायदीन, पीछे ही है, लोकेशन नज़दीक ही है, तो मैं पहले जाकर लोकेशन पे पहुँचता हूँ, पिकअप करता हूँ और जाके ड्रॉप करता हूँ। और पैसे कितने बनते हैं फर्स्ट ट्रिप के वो भी आप लोगों को बताता हूँ। इंशाल्लाह आज काम बेहतरीन होगा, आज हम अपनी ट्रिप्स कम्प्लीट करेंगे, 15 ट्रिप्स होगी और बोनस भी होगा और साथ में कमीशन भी हमारी होगी। तो कॉल आगे बंदे की कॉल करता हूँ, एक्सेप्ट करके बात करता हूँ। अराइव मैंने कर लिए, अभी वो आएगा तो यहाँ पर दबा के स्टार्ट कर लूँगा राइड, बाद में लोकेशन आ जाएगी उस जगह जहाँ पे ऐसे ड्रॉप होना है। ये देखें यहाँ ऐसे ड्रॉप होना है होंडा शहर आए दिन पे, अभी पिकअप करने वाला हूँ। तो अभी इंशाल्लाह अच्छा फेयर बनेगा, क्योंकि गो की राइड है, गो की राइडों में प्राइसें ज़्यादा बढ़ा दी है करीम वालों ने, कंपनी वालों ने। फर्स्ट राइड मैंने कम्प्लीट कर लिए भाई, फर्स्ट राइड के पैसे ये देखें 1000 रुपये बने थे, तो नहीं 900 बने थे, बाकी 100 रुपये मैंने उनको क्रेडिट में कर दिया। और जैसे राइड मैंने ड्रॉप की, पहली और दूसरी आगे दूसरी राइड आ गई है, वो भी काफ़ी दूर की, यहाँ से कोई 15-20 किलोमीटर। तो ऐसे ड्रॉप का पिकअप करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं दूसरी राइड के कितनी प्राइस बनती है भाई। मैं ये देखें भाई गुलशन जौहर में मैं पहुँच गया हूँ, बस मैं इसे पिकअप जाके पिकअप करूं, बाद में आप लोगों को बताता हूं कि उसके फेयर कितना बना, उसका भी अच्छा फेयर बनेगा इंशाल्लाह। दूसरी भी राइड मैंने कंप्लीट कर ली है, अभी ड्रॉप के पीछे ही तो मैं आ गया हूं। देखिए ये दो राइडों के पैसे भाई, काम तो ज़बरदस्त चल रहा है। अभी इंडस्ट्रियल एरिया, शायद यहाँ पर राइड ना मिले तो थोड़ा मैं आगे चला जाता हूँ, वहाँ पर राइड मिलेगी। और आज की मैं इंशाल्लाह आज मैं बोनस भी कंप्लीट करूँगा और 15 ट्रिप वो भी कंप्लीट करूँगा। वो देखे बंदरिया, ये इनों के पास ये बंदर न जाते हैं भाई, यार बंदरों से काफ़ी डर लगता है। ये होते काफ़ी प्यारे बंदर हैं यार, बातें मानते हैं, ये कि बातें मानते हैं, बाकी ठीक है, बंदर बातें मानते हैं यार। तो यार आजकल काफ़ी धूप हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, क्योंकि रात बारिश हुई थी, तो उसके वजह से गर्माश निकल रही है ज़मीन से ना, बस तपश निकल रही। तो अभी मैं आ गया हूँ, ये यूनिवर्सिटी है, दीवान यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सारी लाइन में यूनिवर्सिटी है, इस साइड भी यूनिवर्सिटी है, इस साइड भी। और ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह, ऑयल वगैरह जो बनता है वो यहाँ इसी एरियाज़ में बनते हैं, ये जो बिस्किट वगैरह, मतलब ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। तो काफ़ी गर्मी है, तो मैं आगे चला जाता हूँ DHA फेज़ 1 वाली साइड, क्योंकि वहाँ राइड आ जाती है, यहाँ नहीं आएगी। इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह के टाइम नहीं राइड आती, शाम के टाइम आएगी, सुबह के टाइम नहीं राइड आती यहाँ पर। तीसरी राइड हमारी होगी कंप्लीट भाई, 14 राइडों पे है, देखें 14 राइडों पे हैं, 1300 बोनस और 10% इन्होंने कमीशन कम कर लिए, 15% लेते हैं, लेकिन अब मेरे से 5% कमीशन लेते हैं, क्योंकि 10% इन्होंने कम कर लिया है। और मैं जो मिनी और गो दोनों उठाता हूँ, तो 10% उसमें कम किया है और 3% गो में कम किए इन्होंने। तो अभी मैंने राइडें उठाई है, देखता हूँ, 3 उठाई है, एक भी नहीं छोड़ी है, ये देखें 100 एक्सेप्टेंस रेट, 3 उठाई है, 14 उठानी है।
अभी बाकी 11 रह रही है, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी शाम तक। शाम की अर्निंग आप लोगों को कलेक्ट करके बताऊंगा कि टोटल कितनी कमाई हुई है हमारी भाई। तो मैंने सदर में राइड छोड़ी तो मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ साफ एरियाज में, जहाँ पे राइड मिलने का अंदेशा है कि यहाँ से मिल जाएगी भाई राइड, यहाँ से आसानी से मिल जाती है। और मेरा दूसरा दोस्त समझो कि वो भी यही करीम ऊबर चलाता है, तो वो यहीं कहीं राइड उठा रहा है, वो राइड उठा के कहीं और जा रहा है। उसके पास आ रही है क्रेडिट वाली राइड सुबह से, क्योंकि वो मुझे कह रहा है कि यार मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं है, सारी जो भी राइड उठाई है वो क्रेडिट वाली उठाई है। तो मैंने आज सारी कैश वाली उठाई है, एक भी क्रेडिट वाली नहीं उठाई है। ये अच्छी बात होगी, अच्छी बात नहीं है यार, क्रेडिट से पैसे कम हो रहे हैं मेरे यार, क्योंकि वो अपना कमीशन काट रहे हैं वहाँ से। तो क्रेडिट वाली आती है तो कमीशन भी वहाँ पे, पैसे भी अंदर चले जाते हैं वॉलेट में। तो भाई मैं खड़ा हुआ भाई तीन तलवार के पीछे, बात आइलैंड, ये बात आइलैंड सीधे हाथ पे, ये पूरा बात आइलैंड है। ये एरियाज काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है, और मैं खड़ा हुआ हूँ तीन तलवार के पीछे छाँव में काफ़ी। लेकिन यार गर्मी तो हो रही है, क्योंकि जहाँ भी खड़े हो गर्मी तो बहुत है आज भाई, क्योंकि दो दिन से गर्मी बहुत है। बारिश तो होगी, ज़बरदस्त होगी, लेकिन हो नहीं रही। कल हुई थी, इतनी नहीं होती, 10 मिनट VIP हुई थी, अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन 10 मिनट के बाद बंद हो गई बारिश। उसके बाद रोडों पे इतना गंद हुआ भाई, इतना गंद पानी खड़ा हो गया, कचरा, इतना कचरा। बाद में घर चलाया, मैंने कहा गाड़ी ख़राब हो, गाड़ी ख़राब हो गई तो बाद में कौन वहाँ साफ़ करेगा, वह सुबह के टाइम मुझे ही साफ़ करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैं जल्दी चलाया था रात घर। तो इंशाल्लाह आज हम टारगेट पूरा करेंगे, कल टारगेट पूरा नहीं किया था, तो आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे 14 राइडों का टारगेट, और 1300 का बोनस मिलेगा हमें। पहले 1400 का मिलता था, अब 100 रुपये इन्होंने कम करके 1300 दिया है इन्होंने। तो इंशाल्लाह आज टारगेट पूरा करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। गर्मी भी हो रही है, देख रहे हो भाई, पसीने ही पसीने, पंखे चालू करें। ये देखिए इन्हों की भी यार, अगर गाड़ी गर्म हो जाए ना, ये गर्म हवा देते हैं, और ये इस पर फुल करें ना, फुल के बाद ये ऊपर हो जाते हैं, ये खुद ऑटोमेटिकली ये ऊपर हो जाते हैं, यूँ हो जाते हैं भाई, इतनी देर आवाज़। तो कम पे ही रखते हैं, क्योंकि तेज़ अगर फुल पे रखते हैं तो मज़ा नहीं आता, गर्म हवा देते हैं। नॉर्मल पे रखते हैं तो हवा सही देते हैं। आज के दिन की कमाई मैं हम लोगों को आज अभी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यार आज इतना काम नहीं था, समझो कि काम नहीं होता तो भी इतने का निकल जाते आराम से पैसे। तो मैं जेब में हाथ डालूँ और पैसे निकालूँ कि कितने मैंने कमाए हैं। तो साहिल पानी भर के लाया है, साहिल जा इधर दे, ये हैं पैसे भाई, ये आज की कमाई को मेहनत किया भाई की, देखें कितने होंगे अंदाज़ा लगाए। बिल्कुल काम नहीं था, समझो कि काम सारा दिन खड़ा रहा, खड़ा था, तो ये कमाए। तो अगर ज़्यादा काम हो तो कितने कमा सकते हैं हम, ये देखें पैसे ही पैसे, इतने पैसे आप लोगों ने देखे होंगे डेली के सारा। तो चलो व्लॉग का करते हैं एंड। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगले व्लॉग की